अभी हम लोग देखेंगे अपना 2 BHK का एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी हम लोग देखेंगे 2 BHK का फ्लैट जो 55 गज में बना हुआ है, लिफ्ट और बाइक पार्किंग के साथ, वेल कनेक्टेड रोड है, डीके रोड जो उत्तम नगर की बहुत चौड़ी रोड मानी जाती है वहाँ पे ये फ्लैट है। मेट्रो से तकरीबन आपको आधा किलोमीटर की दूरी पे ये फ्लैट आपको मिल जाता है। बहुत ही शानदार लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी सुविधा है और आसपास में एक छोटा सा पार्क भी है, वो डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हमेशा की तरह अपनी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, सामने वाली रोड, पार्किंग और फिर हम लोग आएंगे फ्लैट के अंदर और देखेंगे फ्लैट का इनसाइड व्यू। आइए। एक बार कुछ भी दिखाने से पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये हमारा ड्राइंग का एरिया है। इस तरफ आपको किचन मिल जाता है और फ्रंट में आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। एक बेडरूम यहाँ मिलता है कंप्लीट वेंटिलेटेड और एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम और बैल्कनी मिलती है और कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम की। ये जो सोफ़ा का प्लेसमेंट है आपका, इस तरह से सोफ़ा का प्लेसमेंट आएगा। हम लोग ने आपको सोफ़ा लगा के दिखा दिया है कि आप इस तरह से सोफ़ा लगा सकते हैं। बीच में आपका कॉफ़ी टेबल आएगा जो मैं प्राइस बताऊंगा। ये जो प्राइस होगा सेमी फर्निश्ड फ्लैट का प्राइस होगा जिसमें फर्नीचर का प्राइस इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर आपको मिलता है 3D लुक में। आप देखिए फ्लावर सा बना हुआ है, बहुत सुंदर लुक, बहुत ही बढ़िया लुक आपके ड्राइंग रूम को दे रहा है। फ्लोरिंग जो मिलेगी अपने इस फ्लैट में वो आपको वेट्रीफाइड टाइल्स की मिलेगी और जो बाथरूम होगा उसमें जो फ्लोरिंग होगी वो आपको एंटी स्किड टाइल्स की मिल जाती है। इसी के साथ हमने किचन दिया है, वो किचन हम आपको दिखाते हैं। मॉड्यूलर किचन आपको मिलता है, कैबिनेट्स ये सारे आपको मिल जा रहे हैं। यहाँ भी इसमें प्लेट के लिए दिए गए हैं स्लॉट्स। यहाँ भी कैबिनेट्स आपको मिलते हैं कटलरी वेयर के लिए और यहाँ भी आप स्टोर कर सकते हैं जो हमारे किचन से रिलेटेड स्टफ होते हैं। यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है। घर में हमारे पास बड़े कंटेनर होते हैं जैसे आटा, चावल, गेहूँ, उसे आप रख सकते हैं, या जो सिलेंडर होता है उसे आप यहाँ रख देंगे, या आप चूल्हा लगा लेंगे और सामने हमारी इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है। उसके बाद यहाँ आप चाहें तो खाली सिलेंडर भी रख सकते हैं, यहाँ भी स्पेस है। सिंक हम लोग ने यहाँ लगाया है। टैप आपको मिल जाते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए और जो जल बोर्ड का पानी है उसके लिए भी टैप लगाए गए हैं। यहाँ आप RO लगा सकते हैं और ऊपर आपका गीजर के पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी दी गई है, हालांकि वेंटिलेशन के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो स्पेस है आप उसे एग्जॉस्ट फैन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ जो हमारा कॉमन वॉशरूम है वो। फुल वॉल टाइल्स आपको मिलता है, टैप्स हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, जल बोर्ड के लिए, ऊपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है, सीट आपको सामने मिल जाता है और यहाँ वॉश बेसिन भी लगा दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम जो कंप्लीट वेंटिलेटेड है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। ये पूरा बड़ा सा आपको विंडो मिल जाता है
ये विंडो है, इसे आप ओपन करके रख सकते हैं। यहाँ आप विंडो एसी लगा सकते हैं और यहाँ भी विंडो दी गई है, आप इसे भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। विंडो लाइक ये पूरा बड़ा सा आपको विंडो मिलता है। इसमें दो आपके जो पल्ले के लिए दो स्लॉट दिए गए हैं, दो पल्ला मिलता है, एक तो यहाँ मिल गया एक यहाँ मिल गया। ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। वार्डरोब आपको यहाँ मिल जाता है, इसके अंदर आपको एक ड्रॉअर भी मिलते हैं और ऊपर भी आपको स्पेस मिल जा रहा है। बेड हम लोग ने लगा के दिखा दिया है कि इस तरह से आप अपना बेड का जो प्लेसमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ आपको टीवी पैनल मिल जाता है, आप यहाँ अपना टीवी लगा सकते हैं, ऊपर कुछ डेकोरेटेड आइटम रख सकते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं अपना सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे हम लोग ने बेड लगा के दिखा दिया है कि इस तरह से आपको आप अपना बेड लगा सकते हैं। वॉलपेपर एक का डिज़ाइन ब्यूटीफुल जो यहाँ मिल जाता है 3D लुक में। ये भी बेडरूम आपका कंप्लीट वेंटिलेटेड है, इसमें भी आपको विंडो मिल जाता है, ये विंडो मिलता है, ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। कर्टेंस आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो बैल्कनी दी गई है वो दिखाने से पहले इसके साथ हम लोग ने एक अटैच वॉशरूम दिया है, वो दिखाता हूँ। यहाँ आपको सीट लगा दिए गए हैं और यहाँ आपको वॉश बेसिन मिल जाता है स्मॉल सा, वेंटिलेशन के लिए पीछे आपको जगह मिल जाते हैं। बैल्कनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको बैल्कनी मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं तो 2BHK का 55 गज का फ्लैट जो लिफ्ट और बाइक पार्किंग के साथ है, इसका जो प्राइस, इसकी जो कीमत हम लोग ने रखी है 22,90,000 रुपया रखा है। हालांकि हमारे पास जो आपको फ्लैट है वो 18 लाख में भी मिल जाएंगे 2BHK, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन साइज एंड लोकेशन ऑफ द फ्लैट। तो ये फ्लैट का प्राइस हम लोग ने 22,90,000 रुपया रखा है बिकॉज ऑफ जो इसकी कनेक्टिविटी है बहुत ही शानदार है। DK रोड से इसकी कनेक्टिविटी मिलती है और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे इसको बनाया गया है। द्वारका, अगर आप बच्चे की स्कूलिंग चाहते हैं द्वारका में, तो वहाँ यहाँ से द्वारका तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है। एयरपोर्ट की बात करूँ तो तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे वो भी है। मेट्रो स्टेशन अप्रॉक्स आधी किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है। तो वेल कनेक्टिविटी के साथ ये फ्लैट आपको 2BHK का। कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर इस फ्लैट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है sanistay.com, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं या आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सोशल साइट पे लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, इस सब पे भी आपको sanistay मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये फ्लैट देखने आना चाहते हैं तो आप हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन करें, नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप अपने हिसाब से विज़िट के लिए टाइम दें और आप जब आप आएंगे तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको फ्लैट दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ऑफकोर्स आप ही sanistay है और आप ही से sanistay है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम।